नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ सम्राट उपाध्याय। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, पिछली वीडियो में मैंने ड्रोन की तैयारी दिखाई थी। जो ड्रोन आज परफॉर्म करने वाले थे बिहार दिवस पर, बिहार दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पटना में, पटना के गांधी मैदान में अभी खड़ा हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार दिवस 2022 और साथ साथ यहाँ पर पर्यावरण वन विभाग जलवायु इत्यादि के बारे में बताया गया है और इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो बिहार दिवस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपका जल जीवन हरियाली हो गई, ऑटो एक्सपो को भी दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लाया गया है इसमें, साथ साथ कैलाश खेर के परफॉर्मेंस को भी आज दर्शकों ने बहुत ही सराहा। आज ड्रोन परफॉर्म किया, जो ड्रोन आपने पिछली वीडियो में देखा था आज उसे परफॉर्म कराया गया और ड्रोन ने आकाश में बहुत सारी कलाकृतियों को दिखाया जो बिहार में मौजूद थे, जैसे गौतम बुद्ध की कलाकृति, साथ साथ उसने लिखा बिहार को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया। वो सारी चीज़ें जो ड्रोन से लिखी हुई आकाश में, वो मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने आज रिकॉर्ड किया है, और उसमें पता चलेगा कि लोग बिहार से कितना प्यार करते हैं और बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा कि कैसा कंटेंट रहा और क्या कुछ ड्रोन की जो चीज़ें थी वो देखने को मिली, क्योंकि 500 ड्रोन पहली बार रिप्रेजेंट किया था बिहार की कलाकृतियों को दिखाने के लिए, तो एक बड़े पैमाने पर कार्य था। और ब्लॉग के साथ बने रहिए और देखते रहिए, हमारे लगातार कंटेंट आते रहेंगे। इसमें कि बिहार में कावा एक सीरीज में ला रहा हूँ जो कि बिहार दिवस को रिप्रेजेंट करेगा, बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। लोगों ने कहा था कुछ सॉन्ग लाकर कि बिहार में सिर्फ बेरोजगारी है या फिर कुछ भी नहीं है, तो मेरे वीडियो उन तक पहुंचाइए और दिखाइए कि बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। बिहार में बहुत कुछ है, बस नज़रिया चाहिए देखने का। मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए और देखिए उस वीडियो को जो ड्रोन फुटेज है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो कलाकृतियां हैं ये बिहार दिवस के उपलक्ष में आप देख रहे हैं, और ये ड्रोन से बिहार जो आपने लिखा देखा अब वो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। और स्पेशली बिहार दिवस में आपको दिखाने के लिए दिल्ली से टीम आई है और ये रिप्रेजेंट कर रही है बिहार को, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध की जो कलाकृति है उसको भी दिखाया गया है इन ड्रोन के माध्यम से। आप जो देख रहे हैं लाइटिंग, ये ड्रोन की है, बहुत सारे ड्रोन यानी कि 500 ड्रोन्स मिलकर इन कलाकृतियों को एक नया रूप दे रहे हैं, विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जनजीवन हरियाली को देखते हैं, गौतम बुद्ध को देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं, साथ साथ आप उस साइंस के जो क्षेत्र हैं उनकी कलाकृतियों को देखने का मौका मिलता है, और बिहार के हर परिपाटी को देखने को मौका मिलता है, जिनमें कि जनजीवन हरियाली का भी स्वरूप आप देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये कमाल की बात ये है कि बिहार दिवस के उपलक्ष में ये आम पब्लिक को बुलाकर उनके लिए दिखाया गया, तो सबसे अच्छी बात है कि आप किसी खास के लिए नहीं था, ये पूरे बिहार वासियों के लिए था और बिहार वासियों ने काफ़ी इन्जॉय किया इन ड्रोन शो को, और ये शायद पहली बार पटना में हुआ है और इसे बहुत लाखों की संख्या में लोग आकर बिहार दिवस को देखे और बहुत इन्जॉय किए। सच पूछिए तो ये कहें कि ये बिहार का पहला शो था जो ड्रोन से तैयार किया गया, और इसके पीछे जो है बहुत सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट होते हैं, दिल्ली से टीम बुलाई गई उसमें। ये अच्छी बात यह है कि बिहार से ताल्लुकात रखने वाले जो ड्रोन ऑपरेटर्स थे वो ज़्यादातर बिहारी थे, तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ बिहार दिवस के उपलक्ष में ही ये सब कराई गई थी, तो आम लोगों को इसे इसका फ़ायदा मिला, लोगों ने खूब इन्जॉय किया, देखा, सराहा, साथ साथ आज बहुत सारा परफॉर्मेंस भी था, तो लोग आज भारी संख्या में आए थे। कैलाश खेर जी का परफॉर्मेंस था आज, उन बैंड टीम के साथ आए हुए थे, तो लोगों ने उनका भी स्वागत किया
बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इन ड्रोन शो ने तो चार चांद लगा दिया। सबकी नज़र जब ड्रोन आकाश में उड़ रही थी तो फिर सबकी नज़र उस ड्रोन पे थी कि कैसा विजुअल्स क्रिएट होगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये सब ड्रोन का कमाल है। मेरे सारे वीडियोस, मैं जो भी ब्लॉग अभी बना रहा हूँ, बिहार में काबा एक सीरीज चल रही है मेरी एक्सप्लोर वर्ल्ड सम्राट पे, इसी चैनल पे लगातार मैं बिहार की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विजुअल्स आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल का है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग देखें। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनी राय दें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताएं, लेकिन आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको बिहार दिवस इस बार कैसा लगा, बिहार दिवस की जो तैयारियां थी वो कैसी लगी, क्या कुछ नया देखने को मिला आपको, ये भी ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो भी आपका स्वागत है, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, लेकिन आपका जो प्रतिक्रिया है मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर दे कर जाएँ, क्योंकि आप ही के लिए, आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ ताकि आपका फीडबैक हमें मिले। और बिहार के लिए तो हमेशा खड़ा था और खड़ा रहूँगा, क्योंकि यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करने में मुझे और भी मज़ा आता है। साथ साथ ये चीज़ें हैं कि जहाँ से हम अपने शहर से बिलोंग करते हैं तो सारी चीज़ों को दिखाएं, और ड्रोन शो को तो दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये टेक्निकल एस्पेक्ट को दिखाता है कि बिहार इस क्षेत्र में भी बहुत आगे प्रगति कर रहा है। यहाँ के भी जो रोबोटिक्स जो ड्रोन तैयार किए गए हैं बिहार के लड़कों ने तैयार किया है, और साथ साथ अभी जो टेक्निकल हैंडल कर रहे हैं इस ड्रोन शो को वो भी बिहार के ही लड़के हैं। बहुत ही मेहनत से इस ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है, साथ साथ इसके जो प्रोग्रामिंग है, इसके सॉफ्टवेयर हैं, उन पे भी बहुत मेहनत की गई ताकि आपको दिखा सके, क्योंकि 500 ड्रोन अभी आप देख रहे हैं, ये 500 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ रहे हैं और उन्हें विजुअल्स क्रिएट करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये आसान चीज़ें नहीं हैं, बहुत मेहनत है। आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा हो तो फिर से बोलूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग जो है देख सकें। और जो लोग कहते हैं बिहार में काबा, उनको ज़रूर बताएं कि बिहार में काबा, अभी बिहार की जो कलाकृतियाँ हैं या फिर बिहार में जो भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो उनसे वो लोग अनभिज्ञ हैं, तो आप उन्हें जाने, एंटरप्रेन्योर्स को जाने कि क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, इनोवेटिव क्या क्या कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में काबा। ऐसे कह देना आसान होता है, बिहार में काबा बेरोजगारी है और लाचारी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार आईएएस प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा आईएएस प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन जो फेमस पॉलिटिशियन है वो बिहार से होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, शराबबंदी जो है वो बिहार में हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें विजुअल्स भी दिखाया गया है शराबबंदी का, आप देखे होंगे कि ड्रोन द्वारा दिखाया गया ये चीज़ें शराबबंदी, और नीतीश सरकार के बहुत सारे पहल हैं। कैसा लगा?